ये है रियलमी का लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी U1, जिसका कई लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भैया कब आएगा ये फ़ोन, कब आएगा। तो फाइनली ये जो फ़ोन है वो लॉन्च हो चुका है, ये रहा बॉक्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग ओवरव्यू। यही नहीं, यहाँ पे मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स भी दिखाऊंगा इस फ़ोन के, क्योंकि ये जो फ़ोन है वो बेसिकली कैमरा यूजर्स के लिए ही है, सेल्फी कैमरा के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो कैमरा है वो कैसा है। सो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो ये है Realme U1 का बॉक्स, कुछ ऐसा दिखाई देता है। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर Realme U1 लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको Realme U1 लिखा हुआ है, नीचे की साइड में आपको यहाँ पर ये कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं जो मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में। इसके बाद यहाँ पर पीछे की साइड में आपको यहाँ पर कुछ ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है और ये कुछ येलोइश कलर का है। तो चलो जल्दी से इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप बॉक्स को ओपन करते हो तो यहाँ पर हमेशा की तरह, जैसे कि आपको सभी रियलमी फ़ोन में आपको ऊपर की साइड ये एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर आपको मिलता है ये रियलमी का यूज़र मैनुअल गाइड, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये क्विक गाइड दिया गया है, और साथ में यहाँ पर आपको ये ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया है अपने रियलमी U1 में लगाने के लिए। तो चलिए इसे भी साइड में रखते हैं। इसके बाद देखते हैं अंदर बॉक्स में और कुछ क्या है, बस यही था बॉक्स में। चलिए इसे भी साइड में रखते हैं। तो ये रहा हमारा, जिसका हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, जो कि है Realme U1। तो इस कवर को हम निकालते हैं और डालते हैं इसके फर्स्ट लुक पे एक नज़र। तो देख लो भाई, ये रहा Realme U1। चलिए फ़ोन को साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में आपको और क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड ये कागज़ है जहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम्स एम्बिशन करेज पावर पैशन वी फिट इट ऑल इन द वन बॉक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। चलिए इसे भी साइड में रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर बॉक्स में आपको ये चार्जर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड चार्जर, जिसका जो आउटपुट है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। तो इसे भी हम साइड में रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर बॉक्स में आपको ये USB केबल दिया गया है, माइक्रो USB केबल, जिससे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो या फिर कह लो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बॉक्स में से यही देखने को मिलता है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। चलिए अब जल्दी से हम एक नज़र इस फ़ोन पे डाल लेते हैं और यहाँ पर हम अपने फ़ोन को बूट करते हैं। तो ये जो हमारा फ़ोन है वो बूट हो रहा है, जल्दी से इसे सेटअप कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन फ़ीचर और कुछ कैमरा सैम्पल्स। अब बात करते हैं हम इस फ़ोन के डिस्प्ले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो इस फ़ोन में आपको दिया गया है 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जो कि आता है 19:5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। यहाँ पर आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। बैक साइड में यहाँ पर आपको ग्लास फिनिशिंग दी गई है, फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है। फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको फेस अनलॉक फीचर दे रखा है, और साथ में यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच दे रखा है। बात करें राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको पावर बटन दिया गया है, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन, और यहाँ पर आपको ये सिम स्लॉट दिया गया है, जो कि जिसमें आपको अलग से एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट दिया गया है। अगर हम बात करें नीचे की साइड की, तो नीचे की साइड में यहाँ पर आपको ये स्पीकर दिए गए हैं, साथ में यहाँ पर आपको माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है फ़ोन को चार्ज करने के लिए या फिर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि प्रोसेसर की। जी हाँ, किसी भी स्मार्टफोन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका प्रोसेसर। तो यहाँ पर आपको Realme U1 में दे रखा है MediaTek का लेटेस्ट प्रोसेसर MediaTek Helio P70, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर 2.1 GHz पे क्लॉक है। तो ये जो फ़ोन है बेसिकली वो आपको दो वेरिएंट में मिलने वाला है। एक मिलने वाला है 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और दूसरा होगा 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और दोनों की जो प्राइस है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको 3500 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में यहाँ पर आपको कलर OS 5.2 दिया गया है, जो कि Android 8.1 पे बेस है, यानी कि Android Oreo पे बेस है।
तो ये तो था इस फ़ोन का प्रोसेसर। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के सबसे इम्पॉर्टेंट और हाईलाइट फीचर की, जो कि है इस फ़ोन का कैमरा। जी हाँ, अगर हम बात करें इस फ़ोन के बैक साइड के कैमरे की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर डुअल कैमरा दे रखा है। एक दे रखा है 13 मेगापिक्सल का और दूसरा दे रखा है 2 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ। वहीं पर अगर हम बात करें इस फ़ोन के सेल्फी कैमरे की, जो कि खास करके सेल्फी यूजर्स के लिए, सेल्फी लवर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको मिलता है 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और इसमें आपको जो सेंसर दे रखा है वो दे रखा है सोनी का IMX576। तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए मैंने कुछ सैंपल्स क्लिक करे हैं इंडोर और आउटडोर में, फ्रंट से और रियर कैमरे से, जिससे देख के आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आखिर में ये रियलमी U1 का जो कैमरा है वो कैसा है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए खास मैंने ये कुछ इमेजेस क्लिक करी हैं, तो इसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको Realme U1 में स्लो मोशन मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि शायद अभी तक Realme ने, अभी तक जितने भी फ़ोन लॉन्च होते, चाहे वो Realme 1 हो, Realme 2 हो, Realme 2 Pro हो, किसी में भी आपको स्लो मोशन मोड देखने को नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको Realme U1 में पहली बार Realme की तरफ से स्लो मोशन मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, व्लॉग बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाला है ये स्लो मोशन मोड कैमरे में आपको। तो ये था Realme U1 की अनबॉक्सिंग, क्विक ओवरव्यू और कुछ कैमरा सैंपल्स। बाकी अब आप लोग बताओ कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, क्या ये प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, आपको इस फ़ोन को देख के कैसा लगता है, क्या आपको लगता है कि ट्रूली इस फ़ोन को ख़रीदना चाहिए। जो भी आपके ओपिनियन है, जो भी आपको लगता है स्पेसिफिकेशन, ओवरव्यू या फिर कह लो प्राइस देखने के बाद, जो भी आपके मन में ख्याल आ रहा है इस फ़ोन को लेके, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना, आई नो आप सभी लोग लाइक तो कर ही दोगे। तो बस यार, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको जिस तरह के वीडियोस पसंद है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर ज़रूर दबाना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।